हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न असुर और राक्षस जो कि तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं, और तमोगुण का प्रभाव कुछ ऐसा है कि वे ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए या मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसा ही हम आज के समाज में भी देखते हैं, तमोगुण का प्रभाव और रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है समाज में, कि हर व्यक्ति एंजाइटी स्ट्रेस और परेशान है किसी न किसी तरह से। जैसा कि हम सब जानते हैं, जीव का स्वाभाविक स्वभाव है भगवान का दास, भगवान सेवक है। जब जीव अज्ञानतावश इस बात को भूल जाता है और भोग करने की इच्छा से वो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है कि मैं भी भोग करूंगा, उसकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इच्छा करता है, भगवान को बोलता है भगवान भुगता है मैं भी भुगता बनूंगा, और इस ईर्ष्यावश अज्ञानता के कारण उसे इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। भौतिक जगत में वो आता है इंद्र तृप्ति की इच्छा को लेकर, इंद्र तृप्ति की इच्छा से लेकर वो अनेक तरह के प्रयोजन, अनेक तरह के प्लानिंग शुरू करता है। और स्पेशली अगर हम मुंबई जैसे शहरों में देखें तो लोग पूरे इंडिया से मुंबई जैसे शहर में आते हैं नए नए प्लान और नए नए ड्रीम के साथ अपने इंद्र तृप्ति के लिए पैसे अर्न करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऐसा इसलिए होता है अज्ञानता मूलभूत कारण। जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं जीवात्मा हूँ और मेरा भगवान से संबंध है, शाश्वत संबंध है, और भगवान की सेवा करने में ही मुझे वो खुशी और संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन आज दुर्भाग्यवश आज किसी भी तरह का समाज में इसको लेकर किसी तरह की जागृति नहीं। आज लोगों को आज का जो जनरेशन है हमारा, उनका सिद्धांत ऐसा है कि कल क्या होगा किसने नहीं देख किसी ने नहीं देखा। तो जब तक जीवन है जितना हो सके इंद्र तृप्ति करें, बहुत मेहनत करें, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा मेरे शहरों में आप सब देखते ही, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम पैसे इकट्ठा करें ताकि हम उससे इंद्र तृप्ति कर सकें। इस इंद्र तृप्ति की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि इसके लिए वो ना सही रास्ता एक गलत रास्ता से नहीं दिखता, नहीं समझ में आता, और वो चाहे वो चोरी से हो या किसी को चीटिंग करके हो या किसी को किसी की जान पे भी खेल के वो समहा प्रयास करता है वो अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा पूरी करे, है ना। और जब व्यक्ति ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ता है तो वो इस कर्म बंधन में फंसता ही जाता है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो जिस इच्छा के पीछे भाग रहा है उसे चाहिए इंद्र तृप्ति, और इंद्र तृप्ति के पीछे कि वो उस सुख का अनुभव करना चाहता है भौतिक चीजों का आस्वादन करके। आप देखेंगे हमारे इंद्र तृप्ति के लिए आज बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बड़े बड़े बंगलोज हैं या और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बहुत सारी चीजें, स्पोर्ट क्लब्स है, थिएटर है, मूवी हॉल है। हर जीव का एक ही प्रयास है कैसे भी करके मुझे संतुष्टि मिले, जीवन में संतुष्ट रहो, और इसी संतुष्टि के प्रयास से वो जीवन में अलग अलग चीजें ट्राई करता, बहुत सारी चीजें ट्राई करता, और जब वो चीज उसे फुलफिल नहीं होती है तब परेशान होकर गलत रास्तों की तरफ भी बढ़ता है। और इस गलत रास्ते में बढ़ते हुए वो दूसरों को भी मारने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता। अगर हम एक उदाहरण ले, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप राक्षस जिसने इतनी तपस्या की उसके बाद उसका पूरे इस पृथ्वी पे राज हो चुका था, लेकिन स्टिल वो संतुष्ट ना होने की वजह से वो सारे देवताओं अलग अलग लोकों में जाकर अपना साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से सबको परेशान किया, ब्राह्मणों को मारा, गायों की हत्या की, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। इसी संबंध में ब्राह्मण को देव रावण के पास सोने की लंका थी, सोने की लंका थी,
संतुष्ट था उसे, लेकिन वो संतुष्ट ही नहीं था जीवन में। ज्ञानी था लेकिन उस ज्ञान को उसने अभ्यास नहीं किया। संतुष्ट ना होने की वजह से वो फिर भी कुबेर का रथ लेके आया, कुबेर का विमान, पुष्पक विमान, और अलग अलग कार्यों के बस अंततः उसने सीता को भी अपहरण किया और वहीं से उसका विनाश शुरू हुआ। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 67 में बताया गया है, काम ऐसा क्रोध रजोगुणा समत्वा, या कि जैसे ही व्यक्ति के अंदर इंद्र तृप्ति का कोई भी वस्तु से दिखता है, वो उस पर उसको पाने की इच्छा से उसके पीछे भागने लगता है। जब उसके पीछे भागने लगता है तो उसके अंदर उस चीज को लेकर आसक्ति आती कि मुझे ये चीज चाहिए चाहिए, और जब वो उसको उसको प्राप्त करने के उद्देश्य उसके पीछे जाता है, और यदि उसके मार्ग में कोई बाधा डाले करता है तो उस पर क्रोधित होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप सबके घर में बच्चे होंगे छोटे, कई बार बच्चा फोन पे लगा हुआ होता है, पेरेंट्स को पता है कि ये भी इसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा उस चीज को यूज कर रहा है तो हमारी ड्यूटी हम उसे से अलग करें। लेकिन आप देखते हो कि आपने जब हम बच्चे के हाथ से फोन हटाते हैं, बच्चा नाराज होता है, गुस्सा करता है, क्योंकि उसका उससे अटैचमेंट हो चुका है। और अटैचमेंट किस लिए है? अज्ञानतावश। अज्ञानतावश बच्चा सोचता है कि शायद ये मोबाइल है जिससे मुझे आनंद मिल रहा है और मुझे इसके में ही लगे रहना चाहिए, लेकिन उसने अभी नहीं पता कि शायद जीवन बहुत बड़ा है और बहुत कुछ करना है। और जब भी हम उसके रास्ते में आकर मोबाइल को हटाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही नाराज होता है। एक मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया, यही केस रावण के साथ भी, यही अजामिल का भी देखे। अजामिल ने वो एक दृश्य देखा था, उस दृश्य को देखने के बाद उसने उस पर सोचना चालू किया, सोचते सोचते उसकी आसक्ति बढ़ी, आसक्ति के बाद वो उस वेश्या को घर पे लेके आया। और जब हम इंद्र तृप्ति के पीछे भागते हैं तो हमारे अंदर सारे राक्षसी गुण डेवलप हो जाते हैं। इस चक्कर से उसने अपने माँ बाप को भी बाहर कर दिया, सारे रिश्तेदारों को भी बाहर कर दिया, किसी भी तरह की सम्मान या जो भी रीतियां हैं उसे बिल्कुल नहीं फॉलो किया, और जहां तक कि अंततः उसने चोरी डकैती भी शुरू कर दी। ये होता है जब हम पर तमोगुण का प्रभाव होता है। तमोगुण जैसे जैसे प्रभावी होता जाता है तो व्यक्ति का ज्ञान पूरी तरह से ढक जाता है, उसे समझ भी नहीं आता है करना क्या है, जीवन क्या सही है क्या गलत। और जिस इच्छा से वो अलग अलग चीजों के पीछे भाग रहा है वो उसे नहीं मिलती, इस वजह से वो और ज्यादा परेशान होता है। तो अजाबी का केस बस यही था कि वो परिस्थिति में आया लेकिन उसने किसी से संपर्क नहीं किया, किसी से जाने की चेष्टा नहीं की कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या मेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें जरूर किसी ऐसे व्यक्ति का शरण लेना चाहिए, भगवान के भक्तों का, जो हमें मार्गदर्शन कर सके। कि हमारा हर प्रयास होता है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, चीजें अच्छे से चले, लेकिन तब भी हम अपने जीवन में बड़े असंतुष्ट से परेशान से रहते। एक बच्चे को छोटे से ही बताया जाता है कि अभी आप पढ़ेंगे 12th तक, उसके बाद 12th में अच्छे से मार्क्स आएंगे तो आपके आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, वहाँ पे अच्छे मार्क्स आएंगे तो एक अच्छी कंपनी में जहाँ पे आपका पैकेज होगा, फिर उसके बाद आपके हाथ में पैसे होंगे और उस पैसे से आप अपने सारे डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, बच्चे ने कॉलेज किया, जॉब लगा, पैसे आए, अब इस पैसे का करना क्या है, कहाँ लगाना है। दो वक्त की रोटी के लिए शायद इतना खर्चा नहीं जितना बाकी इंद्र तृप्ति के सामानों को परचेज करने में हमारा पैसा जाता है। फिर वही बच्चा अंततः जब उसे संतुष्टि नहीं मिल रही होती है बिकॉज किस तरह का ज्ञान नहीं है तो फिर गलत चीजों में इन्वेस्ट करने लगता है, अलग अलग चीजें प्रयास करता है। तो इस वजह से आज समाज में यही यही प्रथा यही चीज हमें चारों तरफ देखने को मिलती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम इस चीज को भूल चुके हैं और ना ही किसी तरह से हम प्रयास कर रहे हैं
प्रयास करते हैं कि आखिर मेरे इस संघर्ष, इस स्ट्रगल का, मेरी लाइफ में स्ट्रगल का रीजन क्या है, आखिर क्यों इतना जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ। आजीवन जॉब में भी देखे, कॉर्पोरेट में भी देखे, तो लोगों का कहीं पर बॉन्डिंग नहीं है, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को पीठ पीछे कुछ बोलना, सारे तमोगुण राक्षसी गुण के प्रभाव। ऐसा किसे लिए? अज्ञानता। अज्ञानता किस चीज का? कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का संबंध है भगवान की सेवा करना। भगवान की जब हम सेवा करेंगे तो जिस सुख की तलाश हम अलग अलग चीजों में देख रहे हैं वो हमें वहां से मिलेगा, और तब जाके हम संतुष्ट होंगे। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम शरीर से संबंधित सारी चीजों को अपना मानते हैं। आज देखिए दो देश के बीच में युद्ध चल रहा है, किस चीज को लेकर? इतना हिस्सा जमीन का मेरा है, इतना हिस्सा मेरा है। अभी जो थोड़ा पावरफुल देश है वो सोच रहा है कि थोड़ा हिस्सा और मिल जाए, लेकिन जो दूसरा देश है वो चाहता है कि नहीं, ये मेरा हिस्सा है, इसमें किसी का अधिकार नहीं। अभी ठीक है। तो दो देशों के बीच लड़ाई पिछले कई दिनों से चल रही है, और तीस चीज को लेकर, ये जमीन का टुकड़ा मेरा है या जमीन का टुकड़ा मेरा है। लेकिन देखा जाए तो दोनों के आने के पहले से ही वो जमीन थी, और जाने के बाद ही वो जमीन वहीं पे रहेगी। साथ लड़ाई किस चीज के लिए हो रही, समझ पा रहे हैं आप बात को? आखिर तीस चीज के लिए व्यक्ति बड़े बड़े एम और एम्बिशन के साथ बहुत मेहनत करता है जीवन में, और मेहनत करते करते एक अच्छा स्टैब्लिश, अच्छा घर, अच्छी फैसिलिटी के साथ इतना बड़ा बंगलो बनाता है मुंबई जैसी सिटी में, लेकिन ऐसा करते करते उसका आधा जीवन निकल जाता है। फिर उसके बाद अलग अलग तरह की समस्याएं, शरीर में कमजोरी आना, बीमारियों को पकड़ना, राइट? तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं, दिशा नहीं। बड़े सोच रखना, बड़े सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का ज्ञान होना कि भगवान ने मुझे जो एबिलिटी, योग्यता दी है, जो योग्यता दी है उसे मैं भगवान की सेवा में यूटिलाइज करूं। अगर किसी के पास अच्छी फैसिलिटी में, अच्छे किसी घर में अच्छा बड़ा बंगलो है, अच्छी कार है, भक्तों को बुलाए, आप फिर कथा करें, भगवान का मंदिर बनवाए घर के अंदर, ऐसे करके हम सारी चीजों का जो भी हमारे पास है हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज की शुरुआत कब होगी? जब हम किसी साधु या किसी भक्त के संग में आएंगे, भगवत गीता पढ़े, तब हमें पता चलेगा जीवन में जाना किस तरह, जीवन जीना कैसे, भगवान ने जीवन दिया किस लिए। आज व्यक्ति पूरा दिन भर मेहनत कर रहा है, दो वक्त की रोटी, मतलब सुबह सुबह हुई, जॉब के लिए तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट लिया, लंच टिफिन में रखा, जॉब के लिए निकला, रात को आते आते 8, 9, 10 हो गए, आया, फिर रात का डिनर लिया और फिर सो गया, फिर सुबह, फिर यही चक्र, फिर शाम, फिर सो गया, ये चक्र चलता जा रहा पूरा, ठीक बात है, ये चक्र चलता जा रहा है। और इसी चक्कर में, बिकॉज रोज की वही उसकी क्रियाकलाप है, इसलिए वो बहुत ही परेशान से रहे, जॉब में भी अपना एक स्ट्रगल है, चैलेंज। तो ये सब की वजह से आज व्यक्ति देखेंगे हर तरफ, चारों तरफ देखने के बाद व्यक्ति बहुत ही उदास सा है, बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी में रहता है। अगर पैसे अर्न करने से सब कुछ अगर हासिल हो जाए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े लोग प्रोसाइड नहीं करते। चलिए हो सकता है किसी व्यक्ति को लगता है जिसके पास कुछ हाथ में पैसे नहीं है जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सके, उसे हो सकता है लगता है उनके शायद आज मेरे हाथ में पैसे आ जाएंगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उन लोग को देखना चाहिए जिनके पास है सब कुछ,
शायद ऐसा नहीं। तो जब तक हम अपने केंद्र में भगवान को नहीं लाएंगे, भगवान की शिक्षा और भगवान के भक्तों का शरण नहीं लेंगे, तब तक हमें ये समझना मुश्किल है कि जीवन में करना क्या, कैसे करना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि 5 साल की उम्र से ही ये वैदिक टीचिंग्स, शास्त्रों का अध्ययन शुरू करना चाहिए, बच्चों को एक दिशा देनी चाहिए, तब जाके बच्चे जैसे जैसे धीरे बड़ा होता है उसमें ज्ञान धीरे धीरे समझ में आता है, जीवन जीना कैसे, करना क्या है। और फिर जब एक उम्र के आने के बाद वो अच्छे से चीजों को संभालते हुए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलता है। इसलिए पहले गुरुकुल सिस्टम हुआ करते, यहाँ पे बच्चों को छोटे से ही ट्रेनिंग दी जाती। और जैसे जैसे हमारे देश के बड़े लोग करेंगे, एक बच्चा वही चीजें सीखता है जैसे उसके माँ बाप घर पे कर रहे होते। बच्चा संसार में नया है, कुछ अबोध अबोध याद बोलते हैं, अबोध याद मतलब कुछ नहीं याद, पूरा ब्लैंक, लेकिन वो सुन सुन के धीरे 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 सारी चीजें सीख ले सुनने से। इसी तरह अगर हम भगवान के भक्तों से और गीता भागवत की शरण ले और सुने, तो हमें भी धीरे धीरे जीवन की वास्तविकता पता चलेगा, जीवन में सच्चा सुख मिलेगा कहाँ से और कैसे मिलेगा, सब भी हमें ज्ञान होगा। अगर हम अपने भारत देश के तुलना में पाश्चात्य देशों की तरफ देखें, तो यहाँ की तुलना में वहाँ बहुत कुछ फैसिलिटीज, कंफर्ट, टेक्नोलॉजी, हर चीज कई गुना ज्यादा है। एक बात है, कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां व्यक्ति नहीं है संतुष्ट, और संतुष्टि को ढूंढने के चक्कर से फिर वो गलत रास्तों की तरफ हाथ बढ़ाता है, ड्रग्स लेना, नशा करना। प्रभुपाद जी जब गए थे पाश्चात्य देशों में, तो वहां के जो युवा थे, जो हिप्पीज थे, अपने जीवन से इतना परेशान हो चुके थे कि इवन उन्होंने अपने घर वालों को भी त्याग दिया था, छोड़ दिया था। हम अपनी इच्छा से जो भी होगा वो करेंगे, हम किसी के नहीं सुनेंगे, इवन तक कि अमेरिकन गवर्नमेंट के भी उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। वहां की सरकार ने उन पे बहुत रिसर्च किया, स्टडी किया, प्लानिंग किया कि कैसे करके हम इन्हें इस डेंजर सिचुएशन से बाहर लाएं, लेकिन वो किसी तरह से नाकाम नहीं हो पाए। वहीं प्रभुपाद जी जब गए पाश्चात्य देशों में, प्रभुपाद ने सबसे पहले इन्हें यंगस्टर्स को पकड़ा जो कि बहुत ही भ्रमित थे, जिनके जीवन कोई दिशा नहीं थी, यंगस्टर को पकड़ा और इसी हरे कृष्ण महामंत्र और भगवद गीता याद देखिए तो पूरा जीवन परिवर्तित कर। वहां की गवर्नमेंट इतने ज्यादा स्टडी करके, बड़े बड़े रिसर्च करके, अलग अलग स्कीम बना के भी नहीं कर पाई, वो प्रभुपाद जय शुद्ध भक्त और हरि नाम और भगवत गीता के पाठ से प्रभुपाद ने कर दिखाया। तो हम एक्सटर्नली बाहरी रूप से हम कितना भी चीजों को एडजस्ट कर ले, जब तक आंतरिक रूप से उस पे काम नहीं होगा, आंतरिक रूप से सफाई नहीं होगी, तब तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम व्यक्ति को उसके इस तमोगुण के प्रभाव से बाहर ला सके। परिस्थिति तो यहां तक आ चुकी है कि आज घर के 4 लोग भी साथ में नहीं आ पाओ, आपने देखा हो, क्योंकि व्यक्ति इतना मानसिक रूप से इतना परेशान है, चिंतित है, वर्कलोड स्ट्रेस है, फैमिली को चलाना उसका स्ट्रेस है, फिर बाहर निकलो तो वहां पे फिर अलग से नॉइस है, ट्रैफिक है, ये सारी चीजें, स्ट्रेस, टेंशन टेंशन, पूरा ओवरलोड हो जाता है। इसीलिए फिर जब भी कोई कुछ पूछे उससे तो बहुत शांति से जवाब नहीं दे पाता, बिकॉज ऑलरेडी उसके दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ कि वो पीसफुल रह ही नहीं पाता, रिप्लाई नहीं करेगा। और छोटी छोटी चीजें वहां देखे झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजों, अच्छे अच्छे घर टूट रहे हैं, लेकिन हम सबके ऊपर प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, प्रभुपाद की कृपा है, और जो भी इसके शरण लेगा, प्रयास करेगा, वो इस संघर्ष में जीवन से बाहर आ सके। आज प्रभुपाद की कृपा से हर विश्व के हर कोने में, इवन अगर हम अपने इंडिया में देखें तो हर जगह पे हमें
मंदिर तो ठीक है लेकिन छोटे छोटे सेंटर मिल जाते हैं जहाँ पे भक्तों का संग ले सकते। इतने सारी एक्टिविटीज प्रभुपाद ने दी है कि आपके घर में छोटा सा गौरवनिता जगन्नाथ जी का विग्रह रखें, सेवा करें। भगवान की जब हम सेवा में जुड़ते हैं तो हमारे अंदर जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो अनर्थ है इसकी वजह से हम इतना परेशान रहते हैं वो धीरे धीरे क्लीन हो। आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान का डेकोरेशन करें, अलग अलग फेस्टिवल्स में थोड़ा सा लोगों को बुला के बैठे साथ कीर्तन करें। बहुत ही सरल रूप से प्रभुपाद इतनी बड़ी चीज हमें दे दी। बस अभी हमें करना है क्या है, हमें इस चीज को समझना होगा कि बाहर तो हमने देख लिया और बाहर परेशान हो चुके हैं, परेशानी वो तो परेशान है, हराज है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। एक बार इसे भी हम देख सकते हैं, देख सकते नहीं यही देखना ही चाहिए। व्यक्ति लाइफ में हर चीज ट्राई करता है, शायद ये देखेंगे ये लेंगे ये गाड़ी लेंगे ऐसा ड्रेसिंग स्टाइल करेंगे तो शायद विल बिकम मोर हैप्पी देन अर्लियर। ट्राई करता है एक बार ये भी ट्राई करके देख, और गारंटी है आप ये ट्राई करेंगे और आपके जीवन में परिवर्तन। इस हरि नाम में इतनी अपार शक्ति है, अपार शक्ति। तो प्रभुपाद ने इसी हरि नाम के नाम पूरे विश्व में लोगों में क्रांति लाई। चेतन महाप्रभु बोलते हैं शिक्षा स्कंध में, भगवान ने अपने दिव्य नामों में अपनी सारी शक्तियां डाल दी। अब हमें प्रयास कर रहे हैं कि इस हरि नाम को जितना अच्छे से हो सके, जितना अटेंटिवली हो सके हमें जप करने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों को भी इसमें जोड़े। जिस परिवार में जिस घर में भगवान केंद्र में है उस घर के लोग साथ में आके बैठ के भगवान की सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, उस घर में हमेशा एकता रहेगी, हमेशा अच्छे संबंध रहेगी, हमेशा आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रहेगा और वो अच्छे संगीत होगा। आपने सुना होगा इंग्लिश में फैमिली प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, राइट? तो ऐसा करेंगे हम और जो भी और हमारा ड्यूटी होना चाहिए कि अगर आज हम इस चीज को करने से हमने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है और हमारा जीवन पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जैसे ऐसे कई लोग हैं जो बाहर भटक रहे हैं संसार में, परेशान और चिंतित परेशान है, उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा कैसे समस्या से हम बाहर निकले। उन्हें भी प्रयास करके बताना चाहिए, जन्माष्टमी आ रही है, उन्हें मंदिर लाएं या फिर कैसे भी करके उन्हें भगवद गीता दें, हरि नाम बताएं, यही हमें भी आगे पास करना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला इस्मान इज अ पेशिंग मूवमेंट, आपको दिया प्रभुपाद जी ने, आपने उसे अपने जीवन में धारण किया, आपने उसका महत्व देखा, उसके बेनिफिट्स देखे और अपनी लाइफ में चेंजेस देखे, तो सेम यही चीज हमें आगे चल के दूसरों को भी देना है। भगवान बोलते हैं जो मेरे संदेश का प्रचार करता है वो मुझे अति प्रिय है। तो जब तक हम हमारे जीवन का रिस्क या हमारे जीवन में जो भी कष्ट है वो कब तक पूरी तरह से नहीं हटेंगे, जब तक हम भगवान के प्रचार के लिए कष्ट नहीं लेंगे। जब हम भगवान के प्रचार के लिए कष्ट लेते हैं, जब हम भगवान के जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ के प्रयास करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तब भगवान की कृपा बहुत जल्दी से मिलती है, हमें आचार्य को मिलती है और हम भक्ति में और जल्दी मिलती है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम संसार में भटक रहे हैं जीवात्माओं, जो कि सभी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान के बच्चे हैं, किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है लेकिन जिन्हें नहीं मिल पाई अभी तक, अभी हमारा प्रयास है कि हम उन्हें जाकर इस शुभ अवसर का लाभ दें। हरे कृष्ण। यदि आप में से किसी को कुछ